गाड़ी है रे यहाँ पल्सर 150 120 है। कोची के कौन तो है क्या आजू बाजू कौन है ले रहते हैं यहाँ गाड़ी कहीं गाड़ी गच्ची हो गाड़ी गाड़ी पल्सर गाड़ी। आहा ये है गाड़ी अच्छा उठा ले जा। Hello guys, welcome back to Swasthya channel. Another black is ready. In this black, how to install motorcycle remote system, alarm system. दोस्तों आज इस वीडियो में हाउ टू इंस्टॉल मोटरसाइकिल टॉकिंग रिमोट सिस्टम देख सकते हैं। दोस्तों ये रिमोट सिस्टम है, ये रिमोट सिस्टम डिवाइस कौन तो गाड़ी चुराने सकता है और ये आपके 100 गाड़ियों में से ये गाड़ी कहाँ पे है बोलने के भी आप इंक्वायरी ले सकते हैं। अब ये रिमोट आपको दिख रहा होगा लाइटिंग, इसमें दो प्रकार के रिमोट्स है। ये कार टाइप का रिमोट है, ये प्रेस करने से ये ओपन होता है। आपको दिख रहा होगा ये कितना एक्सपेंसिव लुक दे रहा है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव दिखता है। दोस्तों आपकी गाड़ी की चाबी ये काट के आपकी गाड़ी की चाबी भी इसमें डाल सकते हैं। मेरी पल्सर 150 को मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। इसको आप इसके अंदर क्या क्या दिया है ये दोनों रिमोट बाजू काट के रख देता हूँ। इसके बाद ये अलार्म सेंस डिटेक्टिव ये साउंड का है। इसके बाद ये भी पिन डिस्कनेक्ट करके इसको भी बाजू रख देंगे। इसके बाद ये आपके वॉइस टॉकिंग का है, इसको स्पीकर कहते हैं, ये स्पीकर है। इसके बाद ये वाटर प्रूफ डिवाइस है। दोस्तों इसके अंदर पानी नहीं जाता है, ये आप डरने की ज़रूरत नहीं सर्विसिंग टाइम पानी जाता है बल्कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसके साथ ही साथ वायरिंग सर्किट डायग्राम का ये भी दिया है, वायरिंग कॉइल भी दिया है। ये वायरिंग कैसे करते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियरिटी से बताता हूँ। ये आप इजीली फिट कर ले सकते हैं। ये 2-in-1 स्टिकर है, आपको इसको लगा के आप गाड़ी में लगाने के लिए ये 2-in-1 स्टिकर है। और स्पीकर को भी नहीं आता है स्पीकर को लगाने के लिए। अब ये अलार्म सिस्टम का ऑलरेडी देता है। इसके बाद इसके अंदर एक मैनुअल दिया है, ये कैसा इंस्टॉल करते हैं। मोटरसाइकिल सिक्योरिटी डिवाइस है ये यूजिंग इंस्टॉल इन वायरिंग डायग्राम है, आप देख सकते हैं। कनेक्टिंग डायग्राम आप देख सकते हैं। मैनुअल यूनिट है, मिनी यूनिट। ये रेड वायर है, सब भी आपको मैं प्रॉपरली वर्क कैसे करता है कैसे इंस्टॉल करते हैं प्रॉपरली आपको फिटिंग करके बताता हूँ। आप कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों आपको ये फिट करने के लिए क्या क्या टूल्स ज़रूरत होती है, एक स्क्रू ड्राइवर, एक कटर और साथ ही साथ एक टेप ज़रूरत भी होगी ना होगी आपकी मर्जी। और उसके साथ ही साथ एक कटिंग ब्लेड चाहिए। आप ईजीली इसको इंस्टॉल कर ले सकते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों इस वीडियो में आप प्रॉपर कितना जैसा देख लिए तो आप ये टोटली कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देख सकते हैं। आप चल जाइए, आप मेरी गाड़ी को फिट करके बताता हूँ। ये देखो दोस्तों यही है मेरे पल्सर 150, इसको ये रिमोट सिस्टम फिट करने जा रहा हूँ। आपको कैसा दिख रहा है वैसे आप देख सकते हैं। मेरी गाड़ी को फिट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीट करना पड़ेगा। सीट करने के लिए आप इसको डोर ओपन करके इजीली ये ओपन हो जाता है। इसको करने के बाद आप इसको बाजू में रख के ये आपको दिख रहा हो ना, ये खींचने से सीट निकलती है। इसको सीट काट के बताता हूँ, इसको भी बाजू रखते हैं। अब इसके अंदर आपको वायरिंग से पूरा सर्किट होता है। एक प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल इसको लगाना पड़ेगा और एक इग्निशन पावर पे इस पर लगाना है और एक ये रिले सिस्टम में इसमें एक लगाना है। और इसमें इंडिकेटर सिस्टम्स भी रहते हैं, को यहाँ पे दिखाता हूँ पूरा। के लिए बाजू रखता हूँ। उसके बाद हमको ये दो वायर्स के आपको जानकारी देने का ज़रूरी है। ये ब्लू कलर का वायर आपको सेल्फो मोटर के लिए है बोलते बोला है। आप सेल्फो मोटर इधर किधर है, सेल्फो रिले किधर है, इसका सेल्फो रिले को जाता है। सेल्फो रिले के वायर के बाद ये इग्निशन वायर है, ये सप्लाई है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। ये ऑरेंज कलर की वायर आपको ये ब्रेक के स्विच दिख रहा होगा, ब्रेक स्विच में तो इग्निशन के पास डायरेक्ट ले जाके आप इसमें इग्निशन में रख सकते हैं। इसका बिस्किट कलर वायर और ब्लू कलर वायर रखना है। ये बिस्किट कलर वायर पूरी गाड़ी में इग्निशन का पावर आता है और चाबी ऑन करने से इसमें पावर आता है। ये और बिस्किट कलर वायर में इसे इग्निशन वायर कहते हैं। इसको छिलके वायर को छिलके इसमें इंस्टॉल करते हैं। इस वायर को सील करा है। इसके बाद ये ऑरेंज कलर और बिस्किट कलर के वायर में ये ऑरेंज कलर के वायर इंस्टॉल करते हैं। इसके साथ इसमें ये स्विच में ऑफर कर लेते हैं। आपको कोई तो क्वेश्चन करता है उनके पानी के लिए प्ले करने की कोशिश करें। गाइस गाड़ी सेल्फ स्टार्ट होने के लिए ये सेल्फ स्टार्ट रिले है पल्सर का। एक गाड़ी के एक रिले जरूर होता है, हर गाड़ी में आपके गाड़ी के पास रिले के पास एक क्लिप जरूर होता है। आपको क्लिप देख के उसका वायरिंग टेस्ट करके मल्टीमीटर से कौन सा नेगेटिव पॉइंट है, कौन सा माइनस पॉइंट है, वो देख के आप प्लस पॉइंट है वो देख के आपको फिट करना पड़ेगा। आप इसके ऊपर मत जाइए। इसमें एक टर्मिनल रेड दे रहा है और एक ब्लैक दे रहा है, ये नेगेटिव उनके मैं कंप्यूटर के इसमें रख के टेस्ट करा रहा है नहीं है, उसकी तरफ से ये आपका डिवाइस खराब हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन कलर की लाइन आके येलो कलर का वायर है, उसके साथ ही साथ बाजू में वो रेड है। अब ये रेड कलर के वायर को हम इन्वेस्ट करना है तो ये ब्लैक कलर की वायर है। आपको इसको दिखाता हूँ। ये ब्लैक कलर की वायर से ये सेल्फ की वायर हम इंस्टॉल करेंगे। आपकी गाड़ी की वायर को कोई भी नुकसान पहुँचाना जैसा ये मेरी वायरिंग होती है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरह से क्लिप सिस्टम में रखने को रख ले सकते हैं। आपको पसंद नहीं तो ये डिवाइस आप इसकी वायरिंग को निकाल सकते हैं इजीली। आपकी गाड़ी की वायरिंग कुछ भी हम कट करें नहीं, छिले नहीं, टेप भी यूज नहीं आता है, यूजिंग नहीं आता है। इस प्रकार से आपको गाड़ी स्टार्ट करके बताता हूँ। आप ये रिमोट लिया हूँ, इग्निशन पावर भी कनेक्शन करा हूँ। आप देख सकते हैं ये बिजली का सिंबल स्टार्ट करने का सिंबल है। इसको एक बार दबाने से ये स्टार्ट हो जाएगा, इसको दो बार दबाने से गाड़ी स्टार्ट होती है। आपको गाड़ी स्टार्ट लेना दोस्तों, गाड़ी रनिंग हो रही है। अब आपको इंजन साउंड आता होगा, अब इसमें ही हम बंद कर सकते हैं। ये अनलॉक बटन दिख रहा है ना आपको, ये लॉक बटन है। ये अनलॉक बटन को क्लिक करने से गाड़ी अनलॉक होकर आप गाड़ी बंद हो जाएगी। आपको ये प्रॉपर सेट हो गया है। आप इसका इंडिकेटर सिस्टम इंस्टॉल करके बताता हूँ। जैसे पूरी वायरिंग हो गई है गाड़ी की रिमोट सिस्टम की, दो ही बच्चे हैं। आपको ये दिख रहा होगा, इसमें दो येलो कलर बच्चे हैं। ये दो येलो कलर दो भी इंडिकेटर्स के हैं। आप इसकी वायरिंग में हम इसमें इंस्टॉल करवा लेंगे। इसको इसमें से हम इसमें से भी लगा सकते हैं। इसको ये इसके ऊपर पड़ने से ये सीट डाल लें, जब कट हो जाती है वायर, इसके लिए आप पूरा देख करके फिट करना पड़ेगा। ये दोनों इंडिकेटर्स वायर्स को इसी तरह ये भी वायरिंग कट करने जैसा हम क्लिप सिस्टम में रख सकते हैं इसको। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रीन कलर का लेफ्ट इंडिकेटर है, ये वाइट कलर का राइट इंडिकेटर है। आपको इसको इसी तरह पिन काट के इसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको दिख रही हो ये माइनस कलर के वायर में नहीं रखना है, ब्लैक वायर में नहीं रखना है, वाइट वायर में रखना है। ये ग्रीन कलर के इसमें ब्लैक वायर में नहीं रखना है, ग्रीन कलर के वायर में रखना है। आपको इस वीडियो में वायरिंग कहाँ पे क्या वायर दे रहा हूँ उसी को देख के आप इंस्टॉल कर लीजिए। आपको समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाजू में तो बेल आइकन को दबाने से इस तरह के वीडियोस आपको अपडेट होते रहते हैं दोस्तों। आपको कोई तो क्वेश्चन है तो ज़रूर हमको बताइए, हम क्लियर करने की कोशिश करूँगा ज़रूर। आप चिंता मत करिए। इसको भी इसमें इंस्टॉल करिए। ये पूरा वाटरप्रूफ सेटअप है दोस्तों, आप डरने की कोई बात नहीं। शॉर्ट सर्किट का इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, आपकी गाड़ी में फ्यूज सर्किट तो ज़रूर होगा दोस्तों। आप ये इंडिकेटर सिस्टम सेट करें ना, अब इसको स्पीकर लगा के चेक करेंगे हम एक बार। लेफ्ट इंडिकेटर डाल के राइट इंडिकेटर डाल के, आपको लेफ्ट इंडिकेटर डाल इस टाइम को राइट इंडिकेटर की आवाज़ आई तो इसमें वायरिंग हम चेंज करना पड़ेगा। लेफ्ट का राइट को, राइट का लेफ्ट को देना पड़ेगा। उसके लिए हम सब कुछ चेक करेंगे इसमें। अब ये इंडिकेटर डाल रहा हूँ। गाड़ी को ऑफ करता हूँ। अब इसमें लेफ्ट इंडिकेटर राइट राइट इंडिकेटर ये करेक्ट प्रॉपर से वर्क कर रही है, लेफ्ट का लेफ्ट बोल रही है, राइट का राइट बोल रही है। ये प्रॉपर वायरिंग हो गया है दोस्तों। आप इसको सेटअप करके आपको टॉप व्यू बताता हूँ। अब ये वायरिंग स्टेप बाय स्टेप टेप अब ज़रूरत होगी टेप की। यहाँ पर इस गाड़ी के लेस को टेप मारने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरत होगी टेप की। अब ज़रूरत पड़ेगी, इतना टफ टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अब ज़रूरत होगी टेप की। इसको स्टेप बाय स्टेप टेप मारेंगे हम। इसको स्पीकर को भी रिमूव करेंगे, ये हम स्टार्ट करेंगे। और एक स्पीकर बना उसमें इसकी वायर भी काट के इसमें इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद इसके क्लिप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वायर स्टेप बाय स्टेप में टेप मार लेते हैं। ऑलरेडी एक वीडियो बना हूँ दोस्तों मैं रिमोट सिस्टम का पल्सर 150 से। वो वीडियोस को बहुत अच्छे व्यूज आए हैं, कमेंट्स भी अच्छे आए हैं दोस्तों। वो वीडियो भी अभी तक नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में दूंगा लिंक को, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, देख लीजिए जरूर। अभी तक नहीं देखे तो इसको हम ये गुड स्पेस आना दोस्तों, ये स्पेस में ये डिवाइस बैठ जाता है। इसी तरह से आपको दिखा होगा। अब मैं स्टिकर काट के नहीं बिठाया हूँ, फिर मैं काट देता हूँ तो नहीं इसलिए रखता हूँ गाड़ी में। तो मैं तो इंस्टॉल करवा रहा हूँ। इसके बाद ये वायर्स इसके बाजू में स्टेप बाय स्टेप ये वायर्स को कट करना पड़ेगा। इसी तरह से रहता वायरिंग शॉर्टेज आने के चांसेस होते हैं कट होकर। देखो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी सीट इसी तरह इंस्टॉल कर देंगे। ये कहाँ पर क्या लग रहा है, दोनों लग रहे हैं। पेट्रोल का स्टेपनी, ये पेट्रोल के लिए स्टेपनी बरत रहा हूँ मैं, ये बरतता हूँ कहीं किस लिए का, तो गाड़ी काम पे खुड़क गई तो पेट्रोल नहीं तो हमारी गाड़ी में ये काम आएगा, उसके लिए पेट्रोल काम आएगा। तो स्पीकर साइड को सही खिसा के सीट बैठ चुकी है, तो दिख रहा होगा सीट बैठ चुकी है। गैस आप देख सकते हैं इसके दोनों रिमोट मेरे पास है, गाड़ी पूरी रेडी हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा। अब इसको गाड़ी को स्टार्ट करता हूं मैं। ये स्टार्ट ये सिंबल आके, ये सिंबल आके स्टार्टिंग सिंबल है, आपको स्टार्ट करता हूं डबल टच करने से। आप देख सकते हैं ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, कहीं नहीं स्टार्ट हुई। और एक बार आपको बटन दबा के दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, काइक नहीं हो रही है स्टार्टिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी चाबी बंद करके है, चाबी बंद करे तो ये मीटर में लाइटिंग आ चुकी है। ये न्यूट्रल मोड में हाँ करेक्ट है, गेयर में तो नहीं होती है। साथ ही साथ अभी ऑब्जर्व करना पड़ेगा इसमें आप, ये कटिंग है, इंजन किलिंग स्विच है, इंजन किलिंग स्विच ऑफ में है, इंजन किलिंग स्विच ऑन में है तो गाड़ी स्टार्ट होती है। अब इंजन किलिंग स्विच ऑन में है, पूरी गाड़ी ऑन में है, आप इसको देख सकते हैं। अब स्टार्ट करता हूँ, ये पावर बटन दबा के बिजली का बटन डबल टाइम प्रेस करने से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। देखो दोस्तों आपकी हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई ना, अब आपको हेडलाइट ऑन में भी है। अब इसमें ही हम बंद कर सकते हैं गाड़ी को। अब ये आप देख सकते हैं इसमें दिखाता है क्लैरिटी से, अनलॉक बटन दिखा रहा है ना, ये अनलॉक बटन दबाने से गाड़ी हाफ होती है। आप देख सकते हैं गाड़ी हाफ हो चुकी है। अब इसके अंदर मीटर में भी ये टोटल बंद होता है, आप देख सकते हैं मीटर में भी टोटल बंद हो चुका है। अब इसको ऑन करने के लिए ये बटन दबाने से मीटर ऑन होता है, पूरी गाड़ी चाबी लगा के ऑन करे जैसा ऑन होती है। अब इसको डबल प्रेस करने से पूरी गाड़ी ऑन होती है और स्टार्ट भी होती है। एक दो टाइम पे ऑन करने से आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी टोटली ऑन हो चुकी है, देख सकते हैं आप। इसके अंदर आपको क्लैरिटी से बताता हूँ कौन सा कप यूज़ होता है। आप देख सकते हैं ये रिमोट, अब ये रिमोट देख सकते हैं, ये रिमोट को अनलॉक प्रेस करने से गाड़ी टोटली बंद हो जाती है। आप देख सकते हैं ये टोटली बंद, ये अनलॉक से गाड़ी टोटल बंद होती है। अब ये सेट ऑफ अलार्म प्लीज़ बोल के पूछिए ना। अब इसको सेट अलार्म सेट करेंगे, अब ये सेट ऑफ ये अलार्म डिवाइस में ऑन हो चुकी है दोस्तों, गाड़ी अलार्म पे है। अब इसको कोई तो हिलाया। अब मेरे पास दोनों रिमोट नहीं है, अब मैं इस गाड़ी को हिलाता हूँ। आप देख सकते हैं ये गाड़ी को हिलाने से ये गाड़ी को छीने को मत बोल के ये बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं अलार्म सिस्टम भी आ रहा है, इसमें बंद करने के लिए यही बटन है। आप देख सकते हैं ये बटन प्रेस करने से, अनलॉक बटन प्रेस करने से गाड़ी बंद हो सकती है। इसी तरह से आपकी गाड़ी पूरी टोटल वर्क करती है दोस्तों। ठीक है, अब रिमोट से आप इसको ऑन करके बताते हैं। ये की सिस्टम है, की भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसका ये अनलॉक बटन है, ये लॉक बटन है, ये स्टार्टिंग बटन है। ये डबल प्रेस करने से स्टार्ट होती है गाड़ी, ये सिंगल प्रेस से नहीं है ना, डबल स्टेप से। इसके कई स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी, आपको यहाँ दिखता है। इसको किलिंग स्विच हाथ में है, ऑन में है ऑलरेडी, इसमें गेयर में है गाड़ी, न्यूट्रल करना पड़ेगा। गेयर में है तो भी नहीं होती गाड़ी स्टार्ट। अब देख सकते हैं गाड़ी न्यूट्रल हो चुकी है। अब इसका हम स्टार्ट करेंगे, देख सकते हैं टोटली स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी। अब इससे हम हाफ कर सकते हैं गाड़ी को। अब एक टोटल हाफ हो चुके हैं। इसके 4 इंडिकेटर्स का सेटिंग भी वो दिखाता हूँ आपको। इस रिमोट से हटा और ये सेटअप अलार्म प्लेस कर रहा है ना, इसको अलार्म सिस्टम है। आप देख सकते हैं 4 इंडिकेटर्स ऑन होते हैं इसके। इसी तरह आपको ऑन ऑलरेडी आना चाहिए, बहुत अच्छा है।